पड़ाव इसके पार कर लिए हैं और अभी बहुत सारे पड़ावों पर हमें काम करना है, पार करने हैं। हमने जो भी आप सबके समक्ष आकर जो भी आपके समक्ष हमने निवेदन रखा है या जो भी हमने वायदे किए हैं, हम उन्हें एक एक करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आपसे किए गए हर एक वायदे को अवश्य पूरा करेंगे, अवश्य उसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, आज चाहे प्रदेश के अंदर हमारा देश के अंदर हमारा प्रदेश पहला है जहां हम राज्य के अंदर हमारी माताओं बहनों को, गरीब परिवारों को एक साल में 3 गैस के सिलेंडर बिना किसी पैसे के देते हैं, यानी कि मुफ्त में हमने योजना चलाई है और 1,81,000 परिवारों को हम ये गैस के सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश की संसद में पास हुआ है और आजाद भारत के इतिहास में ये पहला एक इतना बड़ा काम है जिसको कोई नहीं कर पाया, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको पास करके साबित कर दिया कि हमारी प्राथमिकताओं में हमेशा से मातृशक्ति है। और हमने प्रदेश के अंदर 30% का 37 आरक्षण हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, हमने भी विधानसभा में इसका विधेयक बना दिया। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो देश के अंदर बड़े लंबे समय से जिसकी मांग थी, बहुत जल्द समान नागरिक संहिता पर भी हम कानून बनाने वाले हैं। हमको जैसे ही जो है ड्राफ्ट मिल जाएगा, हमारी कमेटी जो ड्राफ्ट बनाने वाली है वो विद्वान लोगों से राय मशवरा कर चुकी है, जल्दी हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जबरन प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकना हो, उस पर हमने देश का सबसे कठोर कानून बना दिया। देश के अंदर सबसे कठोर कानून है, 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति लागू करना हो, हमने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। नई खेल नीति हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप हमने बनाकर यह भी लागू कर दी है। और सख्त नकल विरोधी कानून, जिसके बारे में मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, लंबे समय से ये नकल का जो काम है चल रहा था 10 साल 15 साल से लगातार, और ऐसे मेहनत करने वाले हमारे भाई बहन वो हमेशा पीछे रह जाते थे और जो नकल करने वाले थे वो पास हो जाते थे, उत्तीर्ण हो जाते थे, नौकरियों में चले जाते थे, फिर जांचें शुरू होती, कहीं कुछ होता, लेकिन हक मारा जा रहा था उस गरीब माता पिता के बेटे का, बेटी का, जो अपने बेटे को, अपनी बेटियों को कोई छोटी सी सब्जी की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करता है, कोई घर का घी बेचता है, दूध बेचता है, अपने जेवर गिरवी रखता था, तब जाके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजता था। भाइयों बहनों, उसके साथ लगातार धोखा हो रहा था, लगातार उनके साथ छल हो रहा था, डकैती पड़ रही थी, लूट हो रही थी, उनकी मेहनत लूटी जा रही थी, उनके साथ अन्याय हो रहा था। हमने तय किया कि अब हम किसी भी कीमत पर ये नकल का जो अपराध है इसको रोकने का काम करेंगे। और हमने भाइयों बहनों, हम नकल का अध्यादेश लेकर आए, और इस अध्यादेश को लाने के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नकल का अध्यादेश जब से हम लेकर आए, बहुत सारे हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, एक नौकरी उनको मिल रही है, दूसरी मिल रही है, फिर तीसरी भी मिल रही है, और उन्हीं को चौथी भी मिल जा रही है, और उनको पांचवी भी नौकरी मिल जा रही है। भाइयों बहनों, उनके माता पिता आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार का धन्यवाद देने के लिए आए हैं, हम आपका धन्यवाद देने के लिए आए हैं, पहले भी हमारे बच्चे परीक्षाओं में भाग लेते थे, इसी चमोली जनपद के बच्चे हैं जो दो तीन परीक्षाओं में भाग लिए हैं और दो तीन में उनका नंबर आ गया, वो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए हैं, उनकी नौकरी 3-3 जगह पर लग गई, 4-4 जगह पर लग गई है। भाइयों बहनों, संतोष होता है कि आप सबकी ताकत के कारण से शुरुआती दिनों में हमें बड़ी परेशानी हुई कि हम जब इस नकल के अपराध को रोकने का जब हम प्रयास कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े नकल माफिया आगे आ गए, बड़ी बड़ी पहुंच अपनी बताने लगे, हमने कहा हम किसी भी कीमत पर अपने बेटे बेटियों के, अपने भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ देंगे, हर कीमत पर हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और हमने कार्रवाई करी। भाई बहनों, आज 100 से भी ज्यादा लोग इस नकल के अपराध में जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं, और 5.5 लाख हमारे प्रदेश के प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेकर आज वो जो है उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। हमारे नौजवान भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग मेहनत से पढ़ाई लिखाई करें, अपनी तैयारियां करें,
अब उनको निष्पक्षता के साथ उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर उनको चयन का जो है पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि अब नकल में कोई भी जो है अब परीक्षाओं में नकल नहीं होगी, सब पारदर्शिता के आधार पर होगा। भाई बहनों, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का मामला हो, वो भी हमने प्रवर समिति ने हमारा सारा कर दिया है। जल्दी हम विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं और विधानसभा का सत्र बुलाकर 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसको भी हम लागू करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद और तमाम प्रकार से हमारी बेटियों को, बहनों को बहलाकर फुसलाकर उनकी जिंदगी को साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, और देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को भी खराब करने का काम हो रहा था। हमने कहा इसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा और हमने सख्ती करी। आज प्रदेश के अंदर 3500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो हमारे सरकारी जंगलों में थी, ऐसे सरकारी जमीनें थी, उनको मुक्त करवाने का काम किया है। जहां पर जो है केवल ढांचे और प्रतीक खड़े कर दिए गए थे, नीचे कुछ भी नहीं निकला भाइयों बहनों, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। हम लोग प्रदेश के बाहर जाते हैं, आप में से कोई भी देश दुनिया के अंदर कहीं जाता होगा तो आप सबको लोग बड़े आदर के साथ श्रद्धा के भाव से देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवों के प्रदेश से आए हुए हैं, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। ये सरकार के साथ साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है, इस काम को भी हमने आगे बढ़ाया है भाइयों बहनों। ऐसे अनेकों काम हमने आज निर्णायक मोड़ पर पहुंचाए हैं। ये कठिन काम थे लेकिन आवश्यक कार्य थे और इनको हमने कम समय में करके दिखाया भाइयों बहनों। ये कोई राजनीति की बात होगी तो कोई कह देगा कि इन्होंने नहीं किया होगा, कोई जो है अपना फेस सेविंग के लिए, इसको फेस सेविंग बोलते हैं, उस फेस सेविंग के लिए कह सकता है कि इन्होंने एक वर्ग के खिलाफ कार्रवाई कर दी, इन्होंने जो है कुछ लोगों को कर दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया, कोई अलग अलग प्रकार की, लेकिन हमने ये निष्पक्षता के आधार पर, न्याय के आधार पर इस पर काम किया है। ये कठिन काम थे, कम समय में सरकार ने करके दिखाया है, क्योंकि हमारे लिए प्रदेश और प्रदेश की जनता का हित सर्वोपरि है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार कभी भी किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें पूर्व की भांति जिस प्रकार से आप सबका सहयोग प्राप्त होता रहा है, आगे भी आपका सहयोग मार्गदर्शन मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि एक मुख्य सेवक के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, जब तक ये श्रेष्ठ राज्य नहीं बन जाएगा, आपके आशीर्वाद को आगे बढ़ाते हुए, आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से और आपके सहयोग से एक मिनट भी हम चैन से नहीं बैठने वाले, एक क्षण भी नहीं रुकने वाले हैं और चैन की बिल्कुल सांस भी नहीं लेंगे। मैं आप सबसे आज जो है इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, हमारे अनिल लौटियाल जी ने, बहन अंजू जी ने, ये बहुत सारे मुझे वो दिए हैं, अपनी बातें यहाँ पर कही हैं, मैं इनकी सब लेकर जा रहा हूँ। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूंकि ये तीन विधानसभा क्षेत्रों का केंद्र बिंदु है, इसका उच्चीकरण हॉस्पिटल का हम लोग करेंगे। और भी जो आपने यहाँ पर मुझे दिए हैं, मैं इन सबको ले जा रहा हूँ, मैं इन सबको अपने साथ ले जाकर इनको आगे के प्रस्ताव में सम्मिलित करूंगा। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए और आप लोगों ने हम सबका यहाँ पर उत्साहवर्धन किया, इसके लिए मैं आपका एक बार दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में पुनः एक बार आप सभी को सफल मेले के आयोजन के लिए बहुत ही बधाई देता हूँ कि मेला गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूरी तरह से सफल होगा। लोग जो है अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, हमारे नौजवान जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे नौजवान पीढ़ी है, वह भी हमारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इन मेलों का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब प्रतिभा का प्रदर्शन है इन मेलों के माध्यम से होगा। एक बार आप सबको शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।